देखो गाइस, ये है बीच, जबरदस्त अल्टीमेट व्यूज के साथ में और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। सारी कुर्सियाँ ठाटा के इकट्ठा कर रही है और कुर्सी लेने चली गई है, भैया की कुर्सी भी लेने चली गई है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, हम पहुंच चुके हैं हिमाचल और ये है जगह का नाम ताता पानी। ताता पानी का मतलब है गर्म पानी और गाइस बहुत ठंड हो रही है, सच्ची में बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। मजा आ रहा है, मतलब मजा क्या कह सकते हैं, मतलब हवा टाइट है। आज बिल्कुल सुन हो चुके हैं सच में, रात को माइनस करीब 4 डिग्री का पास टेम्परेचर था और अभी भी 7 डिग्री के पास तो अभी भी टेम्परेचर, जबकि आप देख सकते हैं सूरज पीछे निकल चुका है और मस्त व्यूज बन रहा है यहाँ का। गाइस आप अगर हिमाचल आ रहे हैं तो यहाँ पर एक बार जरूर होके जाएं, सच में यार बहुत अल्टीमेट जगह है, अल्टीमेट जगह है। एक्चुअली हम रात को बहुत लेट पहुँचे थे यहाँ पे, करीब 8 बज गए थे हमें यहाँ पहुँचते और मेरी गाड़ी का हो गया था पेट्रोल खत्म, द एंड। पेट्रोल पंप ढूंढते गाइस विश्वास करोगे, सिंगल पॉइंट पे गाड़ी कम से कम 40-50 किलोमीटर जा रही और मेरे को धक 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 ऐसे हो रही कहीं तेल खत्म ना हो जाए। बट बाबा जी की कृपा से तेल खत्म नहीं हुआ और पेट्रोल पंप मिल गया, फिर हमने करा लिया टैंक फुल और फिर अपना खाया खाना भी ना और रात को बच्चे सो गए। अभी हमारी पीहू और मैडम अभी गाड़ी के अंदर ही हैं। पानी कितना गर्म है भैया? मजा आ रहा है ना, आप तो यहीं के लोकल। देखो लोकल लोग कितना मजा ले रहे हैं, ये कुदरत ने ना इनको तोहफा दिया हुआ है कि यहाँ ठंड इतनी होती है ना, सच्ची में सीरियसली इतनी ठंड होती है, तो कुदरत ने इनको तोहफा दिया हुआ है कि हम कुदरत ने कहा कि हमारी तरफ से ये लो गर्म पानी। अब ये नेचुरल है, अब जब यहाँ लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लकड़ियाँ थी बस केवल, और तब भी ये गर्म पानी था और आज भी ये गर्म पानी है, ये हमेशा रहता है, बना रहता है, ठीक है। और ये पाइप के थ्रू देख सकते हैं, अब ये पाइप के थ्रू आ रहा है और पूरी भर गई है होदी। अभी ये ले रहे हैं जन्नत का मजा। ये लोकल रेस्टोरेंट है, आंटी बैठी है, आंटी हाय कर दो, आंटी बैठी है। तब यहाँ पे आके आप ना घर जैसा मस्त खाना खा सकते हो और टेंशन नहीं है, खाना बड़ा जबरदस्त मिलता है यहाँ पे, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी पूरी कंप्लीट फैमिली के साथ आ सकते हैं, इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हैं, और नेचर को असली जीने का मजा इधर ही है। कारण क्या है, इधर देखो पीछे हमारे ये है सतलुज नदी, इधर आती है हिमालय से और इधर जाती है आपके पाकिस्तान तक, मतलब पाकिस्तान का पानी हम ही पिला रहे हैं बॉर्डर पे भी और उनके इंसानों को भी। और भैया क्या नाम है आपका? अमित नाम है भैया का। एक भैया उधर है वो पानी में खड़े हुए हैं, हाई कर रहे हैं। जोर भी ये बच्चों के लिए है, जोर भी, इसके अंदर बच्चे चले जाएंगे और इसको ये भैया पानी में डाल देंगे, राइट भैया? और उसके बाद में बच्चे इसमें इंजॉय करेंगे, अपना खेलेंगे, कूदेंगे, उठ पटांग जैसे भी करते हैं, छलांग मारेंगे, तो ये टेंशन फ्री है, बच्चे आराम से इसमें खेल सकते हैं। और वो स्कूटी क्या रखी है भैया उधर? वो जेस्की है। ए ये देखो, ये डाल दिया भैया ने पानी में और ये मतलब एक कैप्सूल टाइप हो गया है, ये डूबेगा तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक, क्योंकि जो फिजिक्स कहती है उसके अकॉर्डिंग तो ये डूब ही नहीं सकता। और ये बन रहा है अपना नाश्ता। इधर खड़े हैं अपने एक और मित्र खड़े हैं हमारे, इनका नाम है HR06। भाई का कंटेंट बहुत अच्छा है, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें भाई को। और ये अपने नौटंकीबाज पीहू। पीहू हाय बेटा, हाय हाय। कैसे गिर गई? देखो पीहू गिर गई है और गुस्सा हो रही है, मानती नहीं है थोड़ा सा। मैडम बर्तन धो रही है और सारे बर्तन धोती है मुझसे, समझ रहे हो? ऐसी सपोर्ट करो, मुझे दूसरी लाओ। तो इसका पेट खराब हो गया है, सारे कपड़े वपड़े इसके खराब हो चुके हैं, तो अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सो गाइस, ताता पानी से अभी हमारा विदा होने का समय आ चुका है, हमने केवल यहाँ पे रात स्टे किया था, लेट हो चुके थे इस वजह से, तो अभी यहाँ से चल रहे हैं हम आगे की तरफ। स्टे ट्यून विद अस, बाय बाय।